मराठों के पुनर्जागरण का एक अहम भाग था दिल्ली पर फिर से मराठों का अधिकार। इस विषय पर ज्यादा वीडियोस उपलब्ध नहीं है तो हमने कोशिश की है कि आपका इस अनसुनी कहानी से तारुफ करवाया जाए। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से माधवराव पेशवा ने अपने बागी चाचा रघुनाथ राव को पिटारे में बंद कर दिया और कैसे बिखरते मराठा संघ को फिर से एकजुट कर लिया। इतना ही नहीं, माधवराव की बाहरी नीतियां भी उतनी ही कारगर साबित हुई। फरवरी सन 1766 में माधवराव ने निजाम से एक लंबी दोस्ती स्थापित करके रघुनाथ राव का एक पंख काट दिया। इसके अलावा पेशवा बार बार मैसूर पर अपनी मुहर लगाता रहा और उसने अंग्रेजों को जरा भी भाव नहीं दिया। इससे राघोबा का दूसरा पंख भी कट गया। माधवराव एक बार पहले भी सन 1764 में हैदर को हरा चुका था। उसके बाद सन 1766 के अंत में उसने मैसूर पर फिर से चढ़ाई कर दी। सन 1767 में माधवराव ने हैदर अली को हरा कर एक बड़ी रकम वसूली और पुणे वापसी की। तभी अंग्रेजों ने माधवराव के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई के पास वसई और शास्ती दे दिए जाएं, जहां कंपनी अपनी फौजें कायम कर सके, तो बदले में हैदर अली को अंग्रेज मिटा डालेंगे। माधवराव ने अपने पिता की तरह कोई भी आत्मघाती कदम नहीं उठाया। उसने अंग्रेजों की इस पेशकश को जरा भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो हैदर नाम की इस बिन बादल बरसात से भी अपना खेत सींचना जानता था। पेशवा का गणित कहता था कि हैदर को ताकतवर बने रहने दिया जाए ताकि वो मद्रास के अंग्रेजों और अराकाट के नवाब पर दबाव बनाए रखे और इस शक्तिशाली मैसूर राज्य को मराठों के पक्ष में या मराठों के दबाव में रखा जाए। और माधवराव का यह अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसी साल सन 1767 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच पहला एंग्लो मैसूर संग्राम छिड़ गया और इसमें हैदर ने अंग्रेजों को निर्णायक रूप से हरा दिया। अप्रैल सन 1769 की मद्रास की संधि के हिसाब से हैदर ने अंग्रेजों से मराठों के खिलाफ मदद मांगी, पर अंग्रेजों ने उसकी आधी ही बात मानी। उन्होंने एक रक्षात्मक संधि की जिसके मुताबिक अगर मराठे हैदर पर हमला करें तभी अंग्रेज मदद करने आएंगे। अंग्रेजों के मन में माधवराव की कुछ तो दहशत होगी, तभी तो जब मराठों ने उसी साल सन 1769 में हैदर पर फिर से हमला किया तो अंग्रेज साफ मुकर गए, मदद के लिए आगे नहीं आए। अपनी बिगड़ती तबीयत के चलते माधवराव बीच रास्ते से वापस आ गया, लेकिन उसकी सेना ने मार्च सन 1770 में श्रीरंगापट्टनम के उत्तर में चिनकुरुली के युद्ध में हैदर को करारी शिकस्त दे दी और हैदर को हार कर समझौता करना पड़ा। तो तीन तीन बार, यानी 1764 में, 1767 में और 1770 में मराठों ने हैदर को हराया और दक्खन के बड़े हिस्से पर अपनी मोहर लगा दी। जिस समय माधवराव दक्खन में मराठों को मजबूती दे रहा था, उसी वक्त उसने उत्तर भारत पर फिर से नजर डाली। उसके निशाने पर दिल्ली तो थी ही थी, लेकिन साथ साथ इलाहाबाद भी था, जहां अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम को नजरबंद कर रखा था। पेशवा का इरादा था कि दिल्ली और रोहिलखंड से रोहिलों का सफाया कर दिया जाए, दिल्ली पर फिर से कब्जा किया जाए और फिर इलाहाबाद से शाह आलम को निकालकर वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन मराठों की छत्र छाया में। पेशवा ने सन 1768 में पुणे से बीसाजी कृष्ण बेनीवाले और गणेश रामचंद्र की कमान में एक बड़ी सेना उत्तर भारत की तरफ भेजी। सन 1769 में शिंदे, पेशवा और होलकर की संयुक्त मराठा सेना ने ग्वालियर के रास्ते लगभग 10 साल बाद एक बार फिर से चंबल पार की और ये सभी मजबूती से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस दिल्ली अभियान में सबसे विशेष भूमिका निभाई महाजी शिंदे और तुकोजी होलकर ने। और जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देखते आए हैं कि पानीपत के बाद दिल्ली और दिल्ली के उत्तर में, या हम यूं कहें कि दिल्ली और हिमालय के बीच में रोहिले जमे हुए थे। दिल्ली के दक्षिण में, यानी दिल्ली से ग्वालियर के बीच, जाटों का राज था और अब तो सूरजमल भी नहीं थे जो मराठों की दिल्ली वापस जीतने में मदद करें, तो इस संयुक्त मराठा सेना को जाटों से युद्ध करना पड़ा। इस मराठा सेना ने सन 1770 में नवल सिंह जाट को पराजित कर दिया। इससे दिल्ली का रास्ता भी खुल गया। दक्खन में मराठों की शानदार जीत और उत्तर भारत में मराठों की ऐसी धमाकेदार वापसी से रोहिलखंड में बैठे नजीब खान की नींद उड़ गई। मराठों को रोहिलों से कई गुना बदला लेना था और अब की बार तो अब्दाली भी मदद करने नहीं आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि महाजी और नजीब में कोई झड़प हो पाती, नजीब की सन 1770 में ही मौत हो गई। फिर नजीब के बेटे जाब्ता खान ने अपने पिता के बाद दिल्ली को अपनी बपौती मान लिया और दिल्ली में अपना हुक्म चलाने लगा। महाजी शिंदे ने एक मजबूत सेना भेजकर जाब्ता खान को हरा कर दिल्ली से भगा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से सन 1771 में 10 साल बाद दिल्ली फिर से मराठों के हाथ में आई। दूसरी तरफ अंग्रेजों से निपटने में महाजी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों के कब्जे में था और इलाहाबाद में नजरबंद था। महाजी ने मुगल सम्राट शाह आलम को
मराठों की हिफाजत में दिल्ली के तख्त पर वापसी करने का न्योता दिया। अंग्रेज शाह आलम को लाख समझाते रहे कि मराठों पर ऐतबार न किया जाए, पर महाजी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शाह आलम ने अंग्रेजों की एक न सुनी और मराठों की बात मानने पर मजबूर हो गया। अंग्रेजों की बात अनसुनी करके शाह आलम महाजी के साथ दिल्ली पहुंचा। सन 1772 में शाह आलम फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गया, लेकिन मराठों के जोर पर। इससे मराठों को अनेक फायदे हुए और इसके तुरंत बाद सन 1772 में महाजी ने रोहिलखंड पर चढ़ाई कर दी। रोहिला सत्ता को जड़ से हिला दिया। पत्थरगढ़ नजीब का केंद्र था और मराठों ने उसी पत्थरगढ़ को पत्थर के ढेरों में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ मराठों ने रोहिलों से चुन चुन कर पानीपत का बदला लिया। नजीब का बेटा जाब्ता खान अपनी जान बचाकर फरार हो गया और अपनी बची हुई जिंदगी दर दर की ठोकरें खाता रहा। सन 1766 और 72 के बीच में इन 6 वर्षों में उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में मराठों के विजय अभियानों से सारा भारत स्तब्ध रह गया। पानीपत जैसे हादसे के बाद शायद ही कभी किसी ने इसकी उम्मीद की हो, वो भी उस पेशवा के शासन में जो केवल 16 बरस की बाली उम्र में गद्दी पर बैठा था। हमारे सामने बार बार सवाल आ रहे हैं कि मल्लार राव होलकर और महाजी शिंदे आखिर पानीपत की लड़ाई में भाऊ की तरह शहीद क्यों नहीं हो गए, वहां से वापस क्यों लौट आए। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए कि महाजी ने शाह आलम को वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा कर जो मराठों के लिए एक नए युग का आगाज किया। आगे चलकर तो महाजी ने और भी कई बड़े बड़े काम किए जिनकी वजह से अंग्रेज 32 साल तक दिल्ली में नहीं घुस पाए। क्या वो हो पाता? फिर अब जरा ये भी सोचिए कि अगर मल्लार राव होलकर पानीपत से बचकर नहीं आते तो क्या हमें महाजी के कारनामे दिखाई देते या अहिल्याबाई की महानता देखने को मिलती? और सबसे बड़ी बात, अगर नाना फडणवीस ने अपनी जान नहीं बचाई होती तो क्या माधव राव को अपने चाचा राघोबा को मात देना सरल होता? और अब ईमानदारी से खुद ही सोचिए कि हारी हुई लड़ाई में खुदकुशी करने में भला कौन सी समझदारी थी? शहादत और आत्महत्या के बीच में अपने विवेक और उद्देश्य का अंतर होता है। इस बात को हम भारतीय वीर रस के नशे में कभी नहीं समझ पाए और कई पीढ़ियों से एक के बाद एक काफी कुछ गंवाते चले आ रहे हैं। खैर जो भी हो, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मराठों के भाग्य में राजयोग नहीं लिखा था, इसीलिए ये पुनर्जागरण का किस्सा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। नवंबर सन 1772 में माधवराव पेशवा की क्षय रोग यानी टीबी से मृत्यु हो गई। मराठों का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले ग्रैंड डब भी लिखते हैं कि पानीपत का मैदान मराठों के लिए उतना घातक नहीं था जितना कि इस बेहतरीन पेशवा का अचानक अंत यानी माधवराव पेशवा की अकाल मृत्यु। और ग्रैंड डब की इस बात को साबित किया आने वाली कुछ घटनाओं ने। सन 1772 और 75 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पहला एंग्लो मराठा संग्राम छिड़ गया यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और इसे हम जल्द ही आने वाले वीडियोस में देखने जा रहे हैं।